एवरीवन, आज मैथ्स में रिमाइंडर कॉन्सेप्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं और रिमाइंडर कॉन्सेप्ट में हम लोग ने टोशन मेथड देखा हुआ था, तो आज टोशन मेथड और अदर कॉन्सेप्ट के ऊपर भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जो मिसलेनियस क्वेश्चन है उसको भी हम लोग करेंगे आज, तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं और अदर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग टोशन के ऊपर, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। सपोज मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया 32 की पावर 32 और इसकी पावर 32, और आपसे कह रहा है कि इसको 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो मैंने आपको इस क्वेश्चन को भी आप टोशंट के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर डिनोमिनेटर के रूप में एक प्राइम नंबर आए तो प्राइम नंबर का जो टोशंट होता है जस्ट उसके पहले वाली संख्या होती है। ठीक है, तो 7 एक प्राइम नंबर है और इसका टोशंट क्या होगा? 6 होगा। इसका टोशंट क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, अब आप ये जानते हैं कि ये जो नॉमिनेटर होता है इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रिमाइंडर का पता लगाएंगे, और ये जो पावर लगा हुआ है ये आपका पूरा क्या है? ये आपका पूरा एक पावर के रूप में वर्क कर रहा है। ठीक है, तो 32 भी पावर है, 32 भी पावर है यहां पर, और आप ये जानते हैं पावर को हम किससे डिवाइड करते हैं? 6 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर का पता लगाते हैं। तो आप बताइए इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, अगर 32 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौके 28 कितना बच रहा है रिमाइंडर? रिमाइंडर बच रहा है आपका 4। हमेशा पावर को टोशन से डिवाइड किया जाएगा, आपने पिछले दो वीडियो में इस पे कई क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, आप बताइए इस 32 पावर को 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर यहां भी 2 मिलेगा, और इस पावर को अगर हम टोशन 6 से डिवाइड करेंगे तब भी पावर क्या मिलेगा? रिमाइंडर क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब आप बताइए 2 की पावर 2 मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2 मतलब 4 लिख सकते हो आप इसको, डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, 4 की पावर 4 मतलब कितना हुआ? 256 डिवाइडेड बाई 7। या आप यहां भी इसको 2 की पावर करके क्यूब बनाकर कर आप यहां पे गैप 1 बनाकर 8 बना सकते थे तब भी आंसर आ जाता, या 4 की पावर 4 आसान वैल्यू है, आप इसको मान याद ही होगा आपको। तो 256 को डिवाइड कर दीजिए 7 से और रिमाइंडर आप पता लगा लीजिए क्या आ जाएगा। 7 3 21 4 बचे, 7 6 42 रिमाइंडर आपका कितना बच रहा है? 4 बच रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो अगर इस टाइप का भी क्वेश्चन पावर के ऊपर पावर आपको मिल रहा है तो वहां भी आपको टोशन मेथड ही लगाना है। बस आपको करना क्या है, ये जो पावर है पावर को आप टोशन से डिवाइड करेंगे, जितने भी पावर लगे होंगे उसको आप टोशन से डिवाइड करेंगे और नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके रिमाइंडर का पता लगा लेंगे। ठीक है, इसी पर कुछ क्वेश्चन और करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया 25 की पावर 25 की पावर 25 डिवाइडेड बाई 9। आपसे कह रहा है 25 उसकी घात 25 को यदि 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? बड़ी ही आसानी से आप आंसर निकाल सकते हो। आप बताइए यहां पे 9 है, डिनोमिनेटर के रूप में 9 लगा हुआ है, लेकिन 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, ये संख्या एक पावर के रूप में आप ब्रेक कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि ऐसी कोई संख्या जिसको पावर के रूप में व्यक्त किया जा सके तो उसका फॉर्मूला होता था, जिस नंबर का टोशन निकालना है उसको आगे लिखिए और ब्रैकेट में 1-1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे बेस लिखना है और बेस क्या होना चाहिए? वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए। तो 9 को आप क्या लिख सकते हो? 9 को आप लिख सकते हो 3 की पावर 2। तो बेस एक प्राइम नंबर क्या है? 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे और आपको 9 का टोशन क्या मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। 9 का टोशंट आपको 6 मिल जाएगा। तो बड़े ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप बताइए नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कीजिए, 25 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 × 2 = 18 कितना बच रहा है? 7 बच रहा है। ठीक है, आप बताइए 6 को 25, ये भी पावर है और ये भी पावर है, दोनों भी पावर के रूप में लिखे हैं, तो 25 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 × 24 रिमाइंडर क्या बचा? 1 बचा। यहां भी 25 को 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा, डिवाइडेड बाई 9।
तो 7 की पावर 1 है तो 7 ही आएगा, और 7 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, अगर आप ट्यूशन लगाना जान गए तो क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो जाता है आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 की पावर 30, 30 की पावर 45, डिवाइड करना है इसको आपको 8 से। आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, बड़ा ही आसान है, 8 लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में 8 है, 8 का टोशन निकाल लीजिए, 8 को आप क्या लिखोगे, 2 की पावर 3। ठीक है, तो टोशन क्या आ जाएगा, 8, 1-1 डिवाइडेड बाई बेस कितना है, 2, तो क्या आ जाएगा टोशन, 4 आ जाएगा। 8 का टोशंट आपको क्या मिल गया, 4 मिल गया, बड़ा ही आसान है। ठीक है, आप बताइए इस क्वेश्चन को आप विदाउट टोशंट निकाले हुए भी कर सकते थे। चलिए दोनों तरीका हम बताते हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जहां पर गैप 1 बन जाएगा वहां पर क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए उसको अभी हम बताते हैं कि विदाउट टोशंट आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते थे अगर गैप 1 बन रहा है। फिलहाल टोशंट लगाएंगे तब भी आपका वही आंसर आएगा, और गैप वाला सिस्टम लगाएंगे तब भी आपका वही आंसर आएगा। ठीक है, तो 8 का टोशंट आ गया 4, और इसको डिवाइड करेंगे 8 एक 8, 7 बच रहा है। ठीक है, या आप 2 बार अगर लेके जाते हैं तो 8 16 ज्यादा बार चला जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, -1। ठीक है, 4 को इससे डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, 4 7 28, 2 मिल जाएगा। 4 को इससे डिवाइड करेंगे 1 मिल जाएगा। आप बताइए 2 की पावर 1 है, इसको हटा दें, 2 की पावर 1 मतलब 2 ही हुआ, डिवाइड करना था 8 से। आप बताइए रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, आप बताइए यहाँ पे आप वैसे भी देख सकते थे कि अगर ये 30 की पावर 45, अगर हम ये कहें कि इस पूरे की वैल्यू एक इवन नंबर होगा या एक ऑड नंबर होगा, आप बताइए क्या होगा, इवन आएगा। 30 की पावर 45 इज इक्वल टू इवन या ऑड, तो आप कहेंगे यदि इवन की पावर कुछ भी हो, ऑड हो या इवन है, तो हमेशा क्या मिलेगा, एक इवन नंबर ही मिलेगा। ठीक है, यहां पर ये इवन ही मिलता, एक इवन नंबर ही प्राप्त होगा। तो आप बताइए अगर आप इसको 2 बार लेके जा रहे हैं, -1 मिलेगा, और -1 इसका मान एक इवन नंबर है, -1 की पावर अगर एक इवन नंबर मिल रहा है तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, तब भी 1 आएगा। तो आप देखते ही इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते थे। आप टोशन यूज कीजिए चाहे ना यूज कीजिए, तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली बता सकते थे कि 1 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, (35 की पावर 35 और उसकी पावर 31) को यदि 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। चलिए निकालते हैं, 16 का टोशन क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, डायरेक्टली हम बता रहे हैं आपको टोशन निकालना आ गया है। ठीक है, तो 16 का टोशन क्या आएगा, 8 आ जाएगा। आप बताइए 35 को 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 16 2 32, रिमाइंडर आ जाएगा 3। ये भी पावर, पावर को किससे डिवाइड करना है आपको, टोशन से। 33 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 8 चौके 32, 1 मिल जाएगा। 31 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 8 3 24, 7 31 डिवाइडेड बाई 16। 1 की पावर 7 मतलब 1 ही हुआ, और 3 की पावर 1 मतलब 3 हुआ, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 मिल जाएगा आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। तो टोशंट लगाने से क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो जाता है, वो आपके लिए जितना भी आप कैलकुलेशन से बचें उतना ही ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
34 की पावर 24 की पावर 26 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग, ठीक है। आप बताइए 16 का टोशंट क्या आ जाएगा, 16 का टोशंट आ जाएगा 8, ठीक है। 35 को आप डिवाइड करेंगे किससे, 16 से, 16 दूनी 32, कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 3 आ गया, ठीक है। इस 24 को आप डिवाइड करेंगे 8 से, 8 त्रिक 24, पूरी तरह कैंसिल हो जाए, रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0। यहाँ पर इससे डिवाइड करेंगे 26 को, 8 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा, 2। किससे डिवाइड करना है, 16 से। 0 की पावर 2 मींस क्या हुआ, 0 ही हुआ, डिवाइडेड बाई 16। 3 की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर अगर आप 0 लगा रहे हैं, किसी भी नंबर्स की पावर अगर आप 0 लगा रहे हैं तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। कोई भी इनफाइनाइट टाइम्स नंबर है और आप उसकी पावर 0 लगा देंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 मिले। तो 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी गलती कर देते हैं हम लोग, कि अगर यहाँ पर 8 को मैंने 24 से डिवाइड किया और अगर पूरी तरह कैंसिल हो जा रहा है तो हम पावर 4 लगाते हैं, वो यूनिट डिजिट में हम लगाते हैं। ये रिमाइंडर कंसेप्ट आप पढ़ रहे हैं तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, 24 को 8 से डिवाइड करने पर जो शेषफल प्राप्त हो रहा है वो आप केवल यहाँ पे रखेंगे, आपको 4 या ऐसा कुछ भी नहीं करना, वो यूनिट डिजिट में हम करते हैं। कि अगर आपको यूनिट डिजिट निकालना रहता है, जैसे यूनिट डिजिट का कंसेप्ट क्या है, जैसे मान लीजिए आपको निकालना है कि 2 की पावर या 2, 3, 23 की पावर 16 है, आपको निकालना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, या 3 की पावर 16 है, आपको निकालना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप कहते थे कि 16 को हम 4 से डिवाइड करेंगे और अगर पूरी तरह कैंसिल हो जा रहा है तो हम पावर 4 मानते थे। तो ये यूनिट डिजिट का कंसेप्ट है, आप रिमाइंडर कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो इसमें कन्फ्यूज मिक्स मत कीजिएगा। बस यहाँ पर क्या करना है, 24 को 8 से डिवाइड कर रिमाइंडर लिखना है, रिमाइंडर 0 है तो 0 लिखिए, और कुछ भी है तो और कुछ लिखिए, ठीक है। समझ में आ गया सभी को, तो ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर, ठीक है। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया इस फॉर्मेट में, ये क्वेश्चन सीजीएल का पूछा गया है, टोशंट का ही, देखिएगा ये सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 5555 की पावर 2222 प्लस 2222 की पावर 5555, यदि इसको 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, ठीक है। क्वेश्चन देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है या घबराना नहीं है, क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, सिर्फ दो क्वेश्चन को एक साथ लिख दिया गया है। क्वेश्चन है क्या, असल में क्वेश्चन आपका यही है, आप अलग अलग करके लिख लो, डिवाइडेड बाय 7 प्लस इसको भी अलग करके लिख लो आप, डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो दो क्वेश्चन को एक साथ लिख देना है, इसका रिमाइंडर निकालना है और इसका रिमाइंडर निकालना है, दोनों को ऐड कर देना, बस इतना ही करना है। आप बताइए, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रिमाइंडर का आप पता लगाएंगे। पहली बात तो आप ये बताइए, 7 का टोशंट क्या होगा, 7 का टोशंट आएगा 6, 7 का टोशंट क्या आएगा 6 आएगा। तो नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रिमाइंडर निकाल लीजिए और पावर को टोशंट से डिवाइड कर रिमाइंडर का पता लगा लीजिए, बस इतना ही करना है आपको। क्या आ जाएगा आप बताइए, 7 × 49 6 बज गया, 7 × 63 2 बज गया, 7 × 21 4 बज गया, ठीक है। 22 को 6 से डिवाइड कर रिमाइंडर का पता लगा लीजिए, क्या आ जाएगा आप बताइए, ठीक है। 6 × 18 4 बच गया, 6 × 42 2 ही बचेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 7। यहाँ पर भी पता लगा लीजिए क्या मिल जाएगा आपको, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे क्या मिल जाएगा आपको, 7 × 21 1 बचा, 7 × 1 = 7 5 बचा, 7 × 7 = 49 3 बचा, ठीक है। 6 को इससे डिवाइड करके पता लगा लीजिए क्या मिल जाएगा आपको, 6 × 9 = 54 1 बचा, 6 × 2 = 12 3 बचा, 6 × 2 = 12 3 बचेगा, डिवाइडेड बाई 7। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए सॉल्व करने में, तो आप लोग
कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, चार चौके 16, 16 को 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, चार चौके 16, 16 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा, 7 दूनी 14 2 मिल जाएगा। 3 3 9 3 27, 27 को 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, या इसको आप इस रूप में लिख दीजिए, 16/7 प्लस 27/7, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आप दोनों ऐड कर फिर 7 से डिवाइड कर दीजिए, किसी भी रूप में आप इसको सॉल्व कर दीजिए। 16 को 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2, 27 को 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 4, कितना मिल गया, 8/7, 8 को 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या बचेगा, फाइनल रिमाइंडर आपका क्या आएगा, आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, क्या कैलकुलेशन हो सकता है मिस्टेक हो जाए बीच में सॉल्व करते वक्त, तो आप लोग कैलकुलेशन चेक करते जाइएगा, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और किस रूप में क्वेश्चन आ सकता है उसको देखिएगा आप लोग। जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया 3^65 फैक्टोरियल को, फैक्टोरियल के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, को यदि 80 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त। क्वेश्चन आसान है, सिर्फ आपको समझने की देरी है। पहली बात तो एक कंसेप्ट याद रखिएगा, चलिए कंसेप्ट बाद में बताते हैं, पहले इसी क्वेश्चन को देखिएगा। मैंने आपको बताया हुआ है कि हर क्वेश्चन में जरूर ध्यान रखिएगा कि क्या कहीं पर वन गैप वन या माइनस वन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि यहाँ पर 80 है और 3^4 अगर हम इसको 4 बना दें तो यहाँ पर मिल जाएगा 81। 81 और 80 का गैप आप 1 ले सकते हैं, बड़े ही आसानी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, आप बताइए 65 फैक्टोरियल मतलब क्या हुआ। 65 फैक्टोरियल मींस यही तो होता है कि 3 × 65 × 64 × 63 × ……… और 1 तक का गुणा हो जाता है डिवाइडेड बाई 80। इन दोनों का गैप, बेस का नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का गैप अगर 1 बनाना चाहते हैं तो आप कहेंगे कि हम 3^4 को बाहर निकाल दें, बाकी सभी को अंडर में कर दें, ठीक है। आप बताइए 3^4 अगर यहाँ कहीं पर भी आपको 4 भी तो मिलेगा, यहाँ कहीं 4 भी तो मिलेगा, 4 3 × 2 × 1, अगर हम 4 को बाहर कर लें 3^4 तो यहाँ पर क्या बचेगा, 65 64 और ……… यहाँ पे 5 × 4 आपने निकाल ही लिया हुआ है तो क्या बच जाएगा, 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाई 80 बच गया, ठीक है। 3^4 मतलब क्या हुआ, 81 हुआ डिवाइडेड बाई 80 है। इसकी पावर कुछ भी लगाओ, उससे कोई लेना देना ही नहीं है आपको। पावर तब लेना देना होता है जब यहां पर गैप माइनस वन आता है, तब उस पर आपको ध्यान देना पड़ता है कि पावर ऑड है या इवन है। आप बताइए इसकी पावर कुछ भी लिखा हो, इनफाइनाइट लिखा हो, इससे नहीं लेना देना है कि क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आप बताइए 81 को 80 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा, 1, और 1 की पावर कुछ भी लगा दो आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 ही तो आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत सारे रूपों में पूछा जा सकता है, बस आपको ये ध्यान देना है कि सॉल्व कैसे करना है, हर चीजों को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसी पर एक क्वेश्चन और लेते हैं, मान लीजिए अभी यहाँ पे माइनस वन आ गया तब कैसे सॉल्व करेंगे, तो उस क्वेश्चन को भी हम ले लेते हैं। फिलहाल यहाँ पे पावर कुछ भी लगाओ, इनफाइनाइट भी लगाओ, तो उससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि 3^4 मतलब 81, और 81 को जब 80 से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव 1 मिलेगा, प्लस 1 मिलेगा, ठीक है। और प्लस 1 की पावर कुछ भी लगाओ, उससे हमेशा 1 ही आना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन के रूप में रिमाइंडर कॉन्सेप्ट के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है।
चलिए मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया 3 की पावर 63 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 82, 3 की पावर 63 फैक्टोरियल को यदि 82 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। सेम कंसेप्ट का यूज करना है, आपको क्या करना है आप बताइए यहाँ पे कि 3 की पावर 63 फैक्टोरियल है तो 3 यहाँ पे मिल गया आपको, ठीक है। आप बताइए यहाँ पर अगर आप 4 निकाल लेंगे, पहले तो आप थोड़ा सा बेसिक लिख लीजिए, इसमें 63 फैक्टोरियल मीन्स क्या हुआ, 63 × 62 … 1 डिवाइडेड बाई 82, 3 की पावर 4 को आप बाहर निकाल दीजिए और बाकी बची हुई संख्याओं को एज इट इज लिख दीजिए … 1, यहाँ पे 4 आपने बाहर निकाल लिया हुआ है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 82, 3 की पावर 4 मतलब क्या हुआ 81 डिवाइडेड बाई 82। अब बस आप इतना बताइए कि इसका जो मान है वो इवन आएगा या ऑड आएगा, 63, 62, 61, क्योंकि बीच में आपको इवन नंबर का भी तो मल्टीपल मिल रहा है, तो इवन नंबर को यदि ऑड नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा आपको क्या मिलता है, हमेशा आपको इवन नंबर ही मिलता है, ठीक है। किसी भी इवन नंबर को यदि आप ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको हमेशा एक इवन नंबर ही प्राप्त होता है, ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़े, ठीक है। तो आप बताइए ये 63, 62 ही आपका एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर अगर बीच में आ गया तो पूरा मान क्या होगा, एक इवन ही होगा। अब आप यहाँ पे बताइए कि अगर 81 से आपको 81 को 82 से डिवाइड करना है तो एक बार मिनिमम लेके जाएंगे, तो एक बार जब लेके जाएंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, -1, और आप ये जानते हो कि -1 और यहाँ पे पावर क्या है, एक इवन नंबर है। अगर -1 की पावर एक इवन नंबर है तो आंसर क्या आना है, 1 आना है, ठीक है, -1 की पावर एक इवन नंबर है तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया सभी को, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अभी इसी क्वेश्चन को आप चेंज करना चाहो, सपोज मान लीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया 3 की पावर 1 × 3 × 5 × 7 … 29 की पावर 4, यह आ गया आपके सामने, ठीक है। इस रूप में क्वेश्चन आपके सामने मिल गया, आपसे कह रहा है कि आप बताइए यदि इसको 82 से 82 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 82 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या मिलेगा वो बताइए, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप ये कहेंगे अगर ब्रैकेट के ऊपर ब्रैकेट लगा है और ब्रैकेट क्लोज होके उसके ऊपर पावर लगा है तो पावर का आपस में क्या हो जाता है, पावर का आपस में गुणा हो जाता है। देखिए यहाँ पे जैसे a की पावर b, b की पावर c, इसका अलग वैल्यू प्राप्त होगा अगर इसी को हम इस रूप में लिख दें a की पावर b और इसकी पावर c, अगर हमने इसको इस रूप में लिख दिया तो इसका अलग मान प्राप्त होगा। यहाँ पर अगर ब्रैकेट क्लोज हो गया है तो पावर का आपस में क्या होता है, गुणा हो जाता है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर bc, ठीक है। तो मैंने ब्रैकेट क्लोज किया हुआ है, अगर ब्रैकेट क्लोज है तो आप बताइए इसको आप क्या लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे 3 की पावर 1 × 3 × 5 … 29 और पावर 4 इसमें गुणा हो जाएगा, ये आपने लिख दिया। अगर आप पावर 4 को बाहर कर दें थोड़ी देर के लिए, 3 की पावर 4 मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसको मैंने बाहर कर दिया 1 × 3 × 5 … 29, डिवाइड किससे करना, 82 से डिवाइड करना है। आप बताइए यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 3 की पावर 4 मतलब 81 डिवाइडेड बाई 82। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप ये बताइए कि इसका मान एक ऑड प्राप्त होगा या इवन प्राप्त होगा, 1, 3, 5, 7 × 9 × 11 × 13,
सारे ऑड नंबर का ही मल्टीपल तो है। अगर सारे ऑड, क्योंकि बीच में कहीं भी आपको इवन नंबर नहीं मिल रहा है, एक ये सीरीज चल रही है ऑड नंबर्स की सीरीज चल रही है, तो अगर सारे ऑड नंबर का मल्टीपल हो रहा है तो नंबर्स भी क्या मिलेगा। अगर आप ऑड नंबर को ऑड नंबर से गुणा करें तो हमेशा एक ऑड नंबर ही मिलता है। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, हमेशा एक ऑड नंबर मिलेगा। 81 को आप 82 से डिवाइड करेंगे माइनस वन मिलेगा। अगर माइनस वन की पावर एक ऑड नंबर है और डिवाइड किससे करना था, 82 से। माइनस वन की पावर अगर एक ऑड नंबर है आंसर क्या मिलेगा, माइनस वन। डिवाइड किससे करना था, 82। आपका आंसर यहाँ पे वन नहीं होगा। आप अगर वन आंसर लगा के चले आते हैं तो आपका 100% क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर लास्ट में रिमाइंडर माइनस आ रहा है तो उसको नीचे वाली संख्या को ऐड कर देते हैं, और जब आप माइनस वन में 82 ऐड कर देंगे तो आपका फाइनल जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर कितना बनेगा। माइनस वन में जब आप 82 को ऐड कर देंगे तो आपका फाइनल जो ओरिजिनल रिमाइंडर आएगा वो आपका 81 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 81 आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कई रूपों में तैयार हो सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से सोचते हैं, कहाँ तक सोचते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें, और भी क्वेश्चन लेते हैं अलग अलग टाइप के। कोई भी टाइप छूटेगा नहीं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके होंगे एग्जाम के पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए एक कंसेप्ट देखिएगा, मिसलेनियस कंसेप्ट के रूप में आप एक नोट हेडिंग लगा लीजिएगा। यदि 4 की पावर इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, 4 की पावर कुछ भी हो, 4 की पावर कुछ भी हो, यदि इसको 6 से विभाजित किया जाए, यदि इसको 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हमेशा 4 ही प्राप्त होता है। ठीक है, 4 की पावर कुछ भी लगाओ, 4 की पावर इनफाइनाइट लगाओ, अगर आप इसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा, 4 आएगा। इस चीज को एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे आने वाले समय पर इस पर क्वेश्चन बनेंगे भी। ठीक है, 4 की पावर कुछ भी आप देखिए, 4 की पावर 1 है, आप इसको 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना है, 4 आएगा। 4 की पावर 2 है, आप इसको 6 से डिवाइड करेंगे, 4 चौके 16, 16 को 6 से डिवाइड करेंगे फिर भी रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। 4 की पावर 3 है, आप इसको 6 से डिवाइड करेंगे फिर भी रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। कुछ भी हो, 4 की पावर एनी नंबर, कोई भी नंबर हो, 4 की पावर कुछ भी लगा दो, अगर आप 6 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल आपका कितना आना है, 4 आना है। जैसे एक क्वेश्चन बहुत पहले पूछा गया है, क्वेश्चन ये था, फिलहाल देखिएगा, क्वेश्चन कई रूप में आ सकता है, डायरेक्टली आप भी आ सकता है और इनडायरेक्टली भी आ सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया, 4 की पावर आप बताइए 49 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, अगर आप इसको 6 से विभाजित कर रहे हैं, 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, 4 की पावर 49 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6, आपको बताना है कि 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कंसेप्ट याद होना चाहिए, कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए कि 4 की पावर कुछ भी लगाओ, कोई भी नंबर्स लगाओ, अगर उसको 6 से विभाजित कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप रिमाइंडर कितना बचाओगे, डायरेक्टली रिमाइंडर कितना आएगा, डायरेक्टली रिमाइंडर इसका 4 आएगा। तो ये चीज़ आप कंठस्थ रखिएगा, कंसेप्ट याद होना चाहिए आपको। ठीक है, समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए इस रूप में क्वेश्चन आ गया आपके सामने, मान लीजिए आ गया 16 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 6,
आपको निकालना कि 16 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 1 को अगर 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो बड़े ही आसानी से आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर नॉमिनेटर को, पहली बात तो हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, अगर आप 16 को 6 से विभाजित कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या मिलेगा आप ये बताइए कि 16 की पावर 16 को अगर 6 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर आपका 4 बचेगा। ठीक है, 6 दूनी 12 4 इसकी पावर 3 की पावर 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 6। अब मैंने आपको बताया कि 4 की पावर कुछ भी लगाओ, एनी नंबर, पावर में लगाओ, फैक्टोरियल में लगाओ या सीरीज में लगाओ, कुछ भी लगाओ, 4 की पावर कुछ भी हो 6 से विभाजित करने पर रिमाइंडर हमेशा कितना मिलता है, रिमाइंडर हमेशा 4 प्राप्त होता है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को, आगे बढ़े। बहुत सारे रूप में एक ही क्वेश्चन को बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बस आपका कंसेप्ट एक ही लग रही है इसमें। ठीक है, कंसेप्ट याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया, 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, 10 की पावर 3 डैश 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 10 की पावर, मान लेते हैं कुछ भी लिख दीजिए, मान लेते हैं हमने 50 लिख दिया। आपसे कह रहा है 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 डैश 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 10 की पावर 50, यदि इसको 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, क्वेश्चन में बस पावर 50 की जगह दिया गया, क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया वो पावर की 50 की जगह 100 लिखा हुआ था, 50 पे अलग आंसर आएगा, 90 पे अलग आंसर आएगा, पावर अगर लास्ट में 100 लगाए तो उसका अलग आंसर आएगा, वो पावर पे डिपेंड करता है कि लगा कितना है। ठीक है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, अगर ये डिवाइडेड बाई 6 सब पे लगाए तो आप बताइए क्या लिखेंगे आप, 10 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 6 यही तो लिखेंगे, 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 6, 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 6 और डैश 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 10 की पावर 50 डिवाइडेड बाई 6 यही तो लिखेंगे आप। आप बताइए इस टोटल सीरीज में कितने नंबर हैं, टोटल 50 नंबर है क्योंकि पावर मैक्सिमम 1, 2, 3 गया है और लास्ट में पावर 50 है, तो टोटल सीरीज में नंबर कितने हैं ऑलरेडी 50 है। ठीक है, आप बताइए 10 को 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या बचेगा, 10 को 6 से डिवाइड करेंगे 4, 4 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 6, 10 को 6 से डिवाइड करेंगे 4, पावर लगा है 2 डिवाइडेड बाई 6, यहाँ पर क्या मिलेगा 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 6, यहाँ भी क्या मिल जाएगा 10 4 4 की पावर 50 डिवाइडेड बाई 6 ये मिल गया। कंसेप्ट आपका याद होना चाहिए, कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया वो क्लियर होना चाहिए, 4 की पावर कुछ भी लगाओ 6 से विभाजित करने पर हमेशा 4 ही प्राप्त होता है। तो यहाँ भी 4 मिलेगा, यहाँ भी 4 मिलेगा, यहाँ भी 4 मिलेगा, तो कुल मिलाकर कितनी बार आप 4 ऐड करेंगे, क्योंकि बीच में एडिशन का साइन लगा है ना, आप बताइए 4 यहाँ भी 4 फिर वहाँ भी 4 ऐसे कितनी बार मिलेगा, टोटल 50 टाइम्स आपको 4 मिल जाएगा डिवाइडेड बाई 6, समझ में आ गया। ठीक है, अब आप बताइए कि 4 4 4 जब आप 50 बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 × 200 डिवाइडेड बाई 6 क्या आ जाएगा रिमाइंडर, आप बताइए 2 ही आएगा रिमाइंडर, तो 2 ही आएगा ना, तो क्या मिल जाएगा 33 × 198 तक पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर लास्ट में कितना बचेगा 2 आएगा। ठीक है, इस रूप में भी क्वेश्चन आ सकता है, कंसेप्ट वही लगेगा, 4 की पावर कुछ भी हो 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमेशा 4 मिलेगा, कंसेप्ट आपका वही लगा। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए एक कंसेप्ट समझिएगा, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, उस पर क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। ठीक है, कंसेप्ट समझिएगा, जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया, जैसे पहले कंसेप्ट बहुत छोटे रूप में आपको कंसेप्ट समझा रहे हैं, पहले कंसेप्ट समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया, आपसे पूछा मैंने कि आप बताइए 12 को यदि 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा, तो आप ये कहेंगे कि 9 × 9 = 9 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, स्पष्ट रूप से दिख रहा है आपको। ठीक है, लेकिन अगर हमने कहा कि इसी 12 को अगर हम कैंसिल कर दें 3 × 12, क्योंकि आप इसको क्या लिखोगे 4 × 3 और नीचे क्या लिखोगे 3 × 3 इसी प्रकार लिखोगे, इस 3 को मैंने कैंसिल कर दिया, 3 से मैंने ऊपर नीचे कैंसिल कर दिया, अब आपका क्या बचेगा 4/3। तो आप मैंने कहा कि आप बताइए रिमाइंडर क्या होगा, तो आप कहेंगे 1 होगा,
तो क्या वन कहना आपका सही है? मैंने तो आपसे ये पूछा था ना कि 12 को 9 से विभाजित करने पर रिमाइंडर क्या आया, तो पहले कंडीशन में आपने बताया कि रिमाइंडर मेरा 3 आया, लेकिन आपने कैंसिल करने के बाद आपने जब 3 से ऊपर नीचे कैंसिल कर दिया तो आपको 4/3 मिला और आपका रिमाइंडर अब 1 आ रहा है। तो क्या ये आपका एक्चुअल रिमाइंडर है? एक्चुअल रिमाइंडर ये नहीं है। लास्ट में जो भी रिमाइंडर आएगा आप उसको जिस संख्या से ऊपर नीचे कैंसिल किए रहेंगे उसी संख्या से बाद में मल्टीप्लाई भी करेंगे तभी आपको ओरिजिनल रिमाइंडर प्राप्त होगा। ये चीज समझ में आ गई? जिस संख्या से आप ऊपर नीचे कैंसिल किए रहेंगे आपको उसी संख्या को ब्लास्ट में रिमाइंडर आने पर उसी संख्या से आपको मल्टीप्लाई भी करना है तभी आपको ओरिजिनल रिमाइंडर का पता चलेगा। जैसे इस पर क्वेश्चन किस रूप में आए, क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है फिलहाल इस पर, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है आपका 3 की पावर 162 को यदि 81 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? 3 की पावर 162 को यदि 81 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। नहीं सॉरी, यहां पर 162 था, 162 था, हाँ, अब ये क्वेश्चन आपका सही। एक मिनट क्वेश्चन हम चेक कर लेते हैं, शायद क्वेश्चन यही था। क्वेश्चन नहीं है, 3 की पावर 162 को यदि 162 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, ये चीज आपको निकालना है, ठीक है। अगर आप यहां पे टोशंट लगाने की कोशिश करेंगे तो क्या टोशंट लगेगा? पहली बात, इस क्वेश्चन में टोशंट लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। मैंने आपको बताया था कि अभी मैंने डिवाइड वाला रूल बताया कि अगर आप ऊपर नीचे किसी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं तो क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो जाता है। आप बताइए आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये 162 क्या है? 162 जो है एक 3 का मल्टीपल ही मिल रहा है, तो यहाँ पे 3 के मल्टीपल ऐसा कुछ ढूंढिए ताकि यह कैंसिल हो जाए। तो आप ये कहेंगे अगर हम 3 की पावर 4 को अलग कर लें तो कितना बच रहा है, 3 की पावर 158 बच रहा है। और अगर हम इसी को 162 को इस रूप में लिख दें 3 की पावर 4 into, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। मैंने 3 की पावर 4 से ऊपर नीचे कैंसिल कर दिया, 3 की पावर 4 से मैंने ऊपर नीचे कैंसिल कर दिया, अब आपका कितना बचा, 3 की पावर 158 डिवाइडेड बाई 2। आप बताइए 3 को आप 2 से विभाजित करेंगे, रिमाइंडर 1 की पावर 158 डिवाइडेड बाई 2 क्या है, रिमाइंडर 1 है। तो क्या ये आपका आंसर है? ये आपका 1 आंसर नहीं है, ऑप्शन में जरूर रहेगा 1 लेकिन आपका आंसर 1 नहीं हो सकता, ठीक ठीक है। तो आप बताइए, लास्ट में मैंने बताया कि लास्ट में जो भी आपको रिमाइंडर प्राप्त होगा आपको ये ध्यान देना है कि मैंने किस संख्या से ऊपर नीचे कैंसिल किया हुआ है। तो आप ये कहेंगे मैंने ऊपर नीचे 3 की पावर 4 से कैंसिल किया हुआ है, तो लास्ट में आपको जो रिमाइंडर प्राप्त होगा इसमें 3 की पावर 4 से गुणा कर देंगे और आपको ओरिजिनल रिमाइंडर क्या मिलेगा, इस क्वेश्चन का आपको ओरिजिनल रिमाइंडर 81 प्राप्त होगा। इस क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा, 81 आएगा, ठीक है, समझ में आ गया सभी को। और भी इस पर क्वेश्चन देखते हैं, और भी क्वेश्चन क्या बन सकता है इस पर, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया 5 की पावर 125 को यदि 250 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। 5 की पावर 125 को यदि 250 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, ये ऑलरेडी आप जान रहे हैं, 250 से कटना ही कटना है, ऐसी कोई पावर ढूंढिए ताकि गैप आपका 1 बन जाए, तो क्वेश्चन आसान हो जाता है।
आप ये कहेंगे, अब इस क्वेश्चन को आप बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। आप ये जानते हैं कि 5 की पावर ऐसा कुछ लेना है ताकि ये कैंसिल हो जाए, 250 तो डायरेक्टली आप कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि कोई ऐसी संख्या 5 के पावर में नहीं मिलती है कि वो डायरेक्टली 250 को पूरी तरह काट सके। 125 बना सकते हो आप, 125 250 को काट सकता है, ठीक है। आप बताइए 5 की पावर 3 को मैंने अलग लिख लिया और यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, कितना बच रहा है 122 बच। 250 को क्या लिख सकते हो आप, 5 की पावर 3 इंटू 2, ठीक है, ये लिख दिया आपने, 25 125 125 दोनों 250 हुआ। मैंने ऊपर नीचे 5 की पावर 3 से कैंसिल कर दिया, यहाँ पर गैप आपको 1 बनाने की कोशिश करना है, बस इतना ही करना है आपको, ठीक है। तो 5 की अब आपका क्या बचा, 5 की पावर 122 डिवाइडेड बाई 2, 5 को 2 से विभाजित करेंगे शेषफल क्या मिलेगा आपको, शेषफल आपको 1 प्राप्त होगा, 1 की पावर 122 डिवाइडेड बाई 2 है तो रिमाइंडर क्या मिलेगा लास्ट में आपको 1। लेकिन ये आपका ओरिजिनल आंसर नहीं है, आपको ये ध्यान देना है कि मैंने ऊपर नीचे 5 की पावर 3 से कैंसिल किया हुआ है तो आपको 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और आपका ओरिजिनल आंसर क्या होगा, आपका ओरिजिनल आंसर क्या होगा 125 होगा, ठीक है। आपका ओरिजिनल आंसर क्या आएगा 125 है, ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। आगे बढ़े, एक लास्ट क्वेश्चन इस पे और देखते हैं क्या क्वेश्चन तैयार हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया 7 की पावर 158 डिवाइडेड बाई 7 की पावर 158 को यदि 98 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, ये आपको बताना है, ठीक है, क्या आएगा बताइए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप बताइए ऐसा कौन सा नंबर्स हम अलग करें ताकि गैप 1 बन जाए, तो आप बड़े ही आसानी से आप ये कहेंगे कि 49 गुणे 2 और 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो गैप 1 बन जाएगा, आसान हो गया क्वेश्चन। तो 7 की पावर 2 आप अलग कर लो, कितना एक्स्ट्रा बच रहा है 7 की पावर 156, इसको अलग कर लो। 98 को क्या लिख सकते हो, 7 की पावर 2, 7 × 7 = 49 2 में 98, ये क्वेश्चन तैयार होगा। क्वेश्चन देखते ही अब आपका क्वेश्चन आसान लगने लगा, ऊपर नीचे मैंने 7 की पावर 2 से कैंसिल कर दिया, अब आप बताइए 7 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 की पावर 156 बचेगा, रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, लेकिन ये आपका फाइनल रिमाइंडर नहीं है, आपको ये देखना है कि ऊपर नीचे मैंने 7 की पावर 2 से कैंसिल किया था तो 7 की पावर 2 से आप इसको गुणा भी करेंगे लास्ट में और आपका फाइनल रिमाइंडर क्या आएगा 49। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए आपका 49 आना चाहिए, 49 आना चाहिए। ये जो डिवाइड वाला रूल है ये कई जगह पे चलता है, असल में डिवाइड वाला रूल ये हर जगह चलता है, और किस रूप में क्वेश्चन डिवाइड वाले रूल पर आते हैं रिमाइंडर से रिलेटेड उसको भी देखते हैं साथ साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपने जो डिवाइड वाला रूल समझा है कि ऊपर नीचे हम डिवाइड करते हैं और लास्ट में हम गुणा करते हैं, चलिए कुछ क्वेश्चन समझिएगा, ठीक है। पहले एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, और किस रूप में इस पे क्वेश्चन इस समय आ रहे हैं, एसएससी में पूछे जा रहे हैं, अदर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया 129 × 1 into 137 × 124 × 1 into 1 into 4327। यदि इसको क्वेश्चन आपका ये है कि 129 × 137 × 124 × 1 into 4327, यदि इसको हम क्वेश्चन आपका है मान लीजिए यदि इसको हम 12 से विभाजित करें तो शेषफल क्या प्राप्त, ये मैंने बहुत छोटा नंबर लिखा हुआ है, इससे बड़े बड़े और भयानक नंबर आते हैं एग्जाम में। पहले आप एग्जाम्पल समझ लीजिए, अभी उन क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है।
यदि आपका ये क्वेश्चन आ गया तो अगर आप एक एक नंबर को 12 से डिवाइड कर पता लगाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको, ठीक है, काफ़ी टाइम आपको यहाँ पे लग जाएगा। लेकिन मैंने आपको डिवाइड वाला रूल बताया है कि अगर आप डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते हैं तो आंसर बड़ा ही आसान हो जाता है। आप बताइए, यहाँ पे ये ऑड मिल रहा है, ये भी ऑड मिल रहा है, एक इवन ये मिल रहा है, ठीक है। आप बताइए, अगर हम इसको लिख दें इस प्रकार, ठीक है, अगर आप बताइए, आप मैंने इसको कैंसिल कर दिया, यहाँ पे 124 को 12 है, अगर हमने इसको कैंसिल कर दिया, सपोज मैंने इसको कैंसिल किससे कर दें, 4 से कैंसिल कर दें, यहाँ पे 4 × 3 = 12 और यहाँ पर 4 × 3 = 12 करना 31 बन। आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि हम ऊपर नीचे 4 से विभाजित किए हुए हैं, ये चीज़ आपको बाद में लगा देना है, ठीक है, ये ध्यान देना कि मैंने ऊपर नीचे 4 से कैंसिल किया हुआ है। आप बताइए, 129 को 3 से डिवाइड करेंगे, 129 तो ऑलरेडी पूरा ही कट रहा है, 9 2 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अंकों का सम 3 से कटना चाहिए, तो 129 ऑलरेडी मैंने गलत नंबर ले लिया हुआ है थोड़ा और, क्योंकि ऑलरेडी ये पूरी संख्या 12 से कट रही है, ठीक है, तो कोई और नंबर लेना चाहिए था मुझे, क्योंकि 129 3 से कट जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा तो पूरा ही 0। चलिए कुछ और नंबर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन गलत बन गया है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं डायरेक्टली, ठीक है, उसको समझिएगा आप लोग, कीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, 635 गुणे 636 गुणे 637 गुणे 638, यदि इसको 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। यहाँ पर आप बहुत सारे तरीके लगा सकते हैं, आप डिविजिबिलिटी रूल का भी सहारा ले सकते हैं और आप कैंसिल वाला भी सहारा ले सकते हैं, ठीक है। चलिए बताइए कैसे निकालेंगे आप, डिविजिबिलिटी रूल से भी समझ लीजिए, डिविजिबिलिटी रूल से इस क्वेश्चन को कैसे करना है। आप 9 का डिविजिबिलिटी रूल जाते हैं कि अंकों का सम यदि 9 से विभाज्य हो रहा है तो पूरी संख्या 9 से कटेगी, अगर अंकों के सम को 9 से विभाजित करने पर जितना रिमाइंडर मिल रहा है पूरी संख्या में भी उतना ही रिमाइंडर मिलेगा। तो आप बताइए, अगर आप इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 639 पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ पर बताइए, 639 ऑलरेडी 6 आएगा, यहाँ भी 639 9 से कट जाएगा 7 आएगा, और यहाँ पर भी 639 8 आएगा। डिवाइड किससे करना है, 9 से करना है। अब आप इसको चाहे कंबाइंड कर लीजिए दोनों को, मान लीजिए 6 × 5 = 30 को मैंने कंबाइंड कर लिया और यहाँ पर 8 × 7 = 56 को मैंने कंबाइंड कर लिया, डिवाइडेड बाई 9। 30 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 × 3 = 27 कितना बच रहा है, 3। 56 को 9 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 9 × 5 = 9 = 54 2 डिवाइड करना है 9 से। फाइनल रिमाइंडर आपका कितना आ गया, 6 आ गया, क्योंकि मैंने ऊपर नीचे कभी कैंसिल नहीं किया हुआ है, मैंने डायरेक्टली 9 से ही डिवाइड किया और आंसर आपका 9 आ गया। अब इसी क्वेश्चन को अगर आपको डिवाइड रूल मेथड से करना हो तो आप कैसे करेंगे, सेम आंसर आएगा, आंसर 6 ही आएगा लास्ट में, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत छोटे नंबर्स आए हुए हैं और बड़े इजीली आपने सॉल्व कर लिया, लेकिन अभी बड़े नंबर्स आ जाएं आपके सामने, अभी क्वेश्चन आएंगे वो भी आएंगे, तो बड़े नंबर्स अगर आएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, तब वहाँ पे आपका डिवाइड करना ही बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए मान लेते हैं मैंने इसको ऊपर नीचे 3 से डिवाइड कर दिया, 3 × 6 = 3 × 3 = 3 × 3 = 6 = 212 मिल गया, ठीक है। अब आपको ये ध्यान नहीं देना है कि मैंने ऊपर नीचे 3 से डिवाइड किया हुआ है, आप बताइए क्या आएगा यहाँ पे, 639, अगर आप 639 × 5 = 14 14 को 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। इसी क्वेश्चन को आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हो डिवाइड रूल मेथड से, आंसर सेम आएगा, 6 ही आएगा। 2 × 3 रिमाइंडर, 212 को 3 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 639 × 3 = 6 1 आएगा। यहाँ पर 638 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, 639 ऑलरेडी डिवाइड है, 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। डिवाइड किससे करना था, 3 से, क्योंकि आपने कैंसिल कर दिया, तो 2 × 4 = 8 8 / 3 क्या मिल गया, यहाँ पे 3 × 6 = 2 मिल गया। तो क्या ये 2 आपका आंसर है, ये 2 आपका आंसर नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि आप ये याद रखिएगा कि अगर आप उन्हें ऊपर नीचे 3 से कैंसिल किया हुआ है तो बाद में इसमें
तीन से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और आपका रियल आंसर क्या आएगा, रियल आंसर आपका 6 आएगा, चाहे आप डिविजिबिलिटी लगाइए चाहे आप डिवाइडेंड रूल लगाइए, ठीक है, डिवाइड रूल लगाइए, आंसर आपका सेम आएगा। लेकिन कहीं कहीं डिवाइड रूल ज़्यादा बेटर पड़ता है, आसान बना देता है क्वेश्चन को, इसीलिए डिवाइड रूल ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पर हम। चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा बड़ा डिजिट लेते हैं ताकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सॉल्व करने में। जैसे ये क्वेश्चन है, छोटा ही क्वेश्चन है, 134 इंटू 97 इंटू 223 इंटू 114 डिवाइडेड बाई 95। अब देखिए ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा लेंदी लगेगा, लेकिन आप जब डिवाइड कर देंगे तो क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। आप बताइए, आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि 19 पंचे 95, 19 छक्के 114, मैंने ऊपर नीचे 19 से डिवाइड किया हुआ है। आपको ये चीज़ याद रखना है कि मैंने डिवाइड किससे किया हुआ है, 19 से डिवाइड किया हुआ है। लास्ट में जो भी रिमाइंडर आपका लास्ट में आएगा उसमें आपको 19 से मल्टीप्लाई कर देना। आप बताइए 134 को 5 से डिवाइड करेंगे, आप फटाफट बता सकते हैं कि जब यहाँ पे आसान आ गया, 5 आ गया, तो आप फटाफट बता सकते हैं रिमाइंडर क्या आएगा। आप बताइए फटाक से, 134 को 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 4, 197 को 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2, 223 को 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3, 6 को 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 डिवाइडेड बाई 5, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 को 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 4 आएगा। तो क्या ये 4 आपका रियल रिमाइंडर है? ये 4 आपका रियल रिमाइंडर नहीं है। आपको क्या बताया मैंने कि 19 से आपने ऊपर नीचे डिवाइड किया हुआ है तो लास्ट में 19 से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और आपका रियल रिमाइंडर क्या आएगा, ओरिजिनल रिमाइंडर आपका 76 आएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, आप कैंसिल कर देंगे तो थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाएगा आपके लिए। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इस पर। एक क्वेश्चन इस रूप में भी देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन बनाने के कोई फॉर्मेट निश्चित ही नहीं है, आप बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं। 132 गुड़े 135 गुड़े 136 गुड़े 138 गुड़े 142, आपको डिवाइड करना है इसको 137 से। अब देखिए यहाँ पे क्या डिवाइड एंड रूल लगाना बेटर रहेगा, डिवाइड एंड रूल डिवाइड आप कर ही नहीं सकते क्योंकि 137 एक प्राइम नंबर मिल गया आपको, 137 एक प्राइम नंबर मिल गया तो 137 किसी से कटेगा ही नहीं। तब यहाँ पे क्या करोगे, डिविजिबिलिटी रूल नहीं लग रहा है या डिवाइड एंड रूल नहीं लगा, लेकिन रिमाइंडर कॉन्सेप्ट तो आपको पता है ना, बड़े ही आसानी से कर सकते हो। 132 को 137 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या मिलेगा, कम से कम एक बार लेके जाएंगे तो रिमाइंडर का आपका -5 बचेगा। 135 को 137 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या बचेगा, -2। 136 को 137 से -1। 138 को 137 से +1। 142 को 137 से डिवाइड किए 5 डिवाइड बाई 137। आप बताइए क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस फिर माइनस है तो लास्ट में माइनस ही आ जाएगा, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 10 पच्चे 50, -50 डिवाइड बाई 137, ठीक है। अब आप बताओ कि क्या रिमाइंडर आपका 50 है, रिमाइंडर आपका 50 नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी लास्ट में रिमाइंडर माइनस में आएगा तो आप उसमें नीचे वाली डिनोमिनेटर को ऐड कर देंगे, तो आपका रियल रिमाइंडर क्या आएगा, -50 प्लस 137, नीचे वाली संख्या को आपको उसमें ऐड कर देना है, आपका जो रियल रिमाइंडर है वो कितना आएगा, 87 है। तो हर कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, कौन सा कंसेप्ट कब यूज हो जाए कोई कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। तो हर कॉन्सेप्ट आपको देखने हैं, जानने हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट कब यूज होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, बस ये है कि आपको
यहाँ पे अब आपने देखा कि माइनस वाला रूल चल रहा था जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है, लेकिन कहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगे ये कोई नियमित नहीं है, ठीक है। तो इस पर अभी और क्वेश्चन और लंबे लंबे डिजिट के क्वेश्चन आपको करने हैं, तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और रिमाइंडर कंसेप्ट के और भी क्वेश्चन, अभी बहुत सारे सक्सेसिव रिमाइंडर और बहुत सारे रिमाइंडर के क्वेश्चन आपको, कंसेक्यूटिव रिमाइंडर, सक्सेसिव रिमाइंडर के क्वेश्चन भी करने हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो में, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।